So Virat Kohli's birthday and uh, yesterday it was, and what a gift he got from his side. Eighty-five pays Scotland go out net run rate ki equation ab bilkul simplify ho One point six something is the net run rate. They don't need to worry about it. Uh, they are above Afghanistan and New Zealand is above them. But the only thing New Zealand can get uh, uh, can get in the way of New Zealand is of course that loss. अगेंस्ट अफगानिस्तान कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है बिकॉज इंडियन सारे जो हैं uh, जो आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हो आर वॉचिंग बी ग्लूड टू द टी वी होपिंग दैट अफगानिस्तान बीट्स न्यूजीलैंड हराएंगे इंडिया बी थ्रू बिकॉज अफगानिस्तान का नेट रन रेट इंडिया के नेट रन रेट से नीचे है उनको बहुत ही बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा सो so, ज़्यादा चांसेज इंडिया और न्यूजीलैंड के हैं और अगर न्यूज़ीलैंड जीत जाता है सो इंडिया विल बी गोइंग होम Uh, जैसे कि जदेजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया जब उनसे किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि यू नो दिस इज़ द इक्वेशन एंड व्हाट इफ इंडिया व्हाट इफ न्यूजीलैंड बीट्स अफगानिस्तान सो ही सेड देन वी विल पैक अप एंड गो होम इट्स एज सिम्पल इज़ दैट बट वेरी वेरी डामिनेटिंग परफॉर्मेंस ये ख्याल आता है कि ये अब क्यों परफॉर्मेंसेज हो रही है पहले क्यों नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों नहीं हुई um, वही रोहित शर्मा है वही के राहुल हैं बट द मैन ऑफ द मैच वॉज uh, रविंदर जडेजा कंडीशन ऐसी थी कि थोड़ी थोड़ी बॉल कोई कोई बॉल टर्न भी हो रही थी थोड़ी सी विच डेफिनेटली फेवर्ड दैम एंड देन उसके बाद यू नो अश्विन इज ऑल्सो डूइंग इंगज जॉब बुमराह इज़ बुमराह शामी टेकिंग अ हैट्रिक सो यू नो आई फील के थिंग्स आर कमिंग टुगेदर फॉर इंडिया बट वेदर दे हैव कम इन टाइम

ये एक आखिरी जो मरहला है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर टीम्स ये उनको देखना है न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड विल भी लुकिंग टू बीट अफगानिस्तान दे वॉन्ट टू प्रोग्रेस दे वॉन्ट टू गेट थ्रू देखना यह होगा कि पिक्चर कंडीशन कैसी हैं आई थिंक वो बहुत मैटर करेंगे कि बहुत ज़्यादा टर्न हुई वगैरह तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी प्रॉब्लम हो सकती है मेन चीज ये है कि रोहित शर्मा स्कोर करें के एल राहुल कर रहे हैं उससे पिछले मैच में पांड्या ने भी जो उनका रोल जिसके लिए उनको हायर किया गया है टीम में अभी तक डिस्पाइट द फैक्ट के वो बोलिंग शुरू में नहीं करा रहे थे फिर भी दे दे दिसक टू हिम ही इज डूइंग जॉब वेल सो थिंग्स आर क्लिकिंग बट कभी कभार किस्मत पे होता है जिस तरह टू वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया लेकिन पाकिस्तान फिर भी रह गया बिकॉज न्यूजीलैंड हैड अ बेटर नेट रन रेड एक मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड श्रीलंका के अगेंस्ट एक वॉश आउट हो गया था जिसकी वजह से उनको एक पॉइंट नहीं मिला दे गॉट वन पॉइंट ओनली सो ये चीज़ें तो होती हैं वर्ल्ड कप में बेहतर यही होता है कि आप किसी भी रिलाई ना करो दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू लर्न द मोस्ट इज द वोने देव जस्ट गॉन थ्रू विदाउट रिलाइंग ऑन एनी अदर टीम हम खुद फैंस है, जो हैं जो फॉलोअर्स हैं थोड़े शौक में हैं कि हम इतने कम्फर्टेबली बैठे हुए हैं फॉर द पास्ट वन वीक Um, making it to the semi-finals and it's been a brilliant performance by Pakistan. Whether they win against Australia, whether they lose against Australia, most probably Australia will in the semi-final. में. I think the whole country can be very proud considering the way we got into the into the into the tournament. We can't forgotten how Pakistan came. Tours cancelled. कोई प्रैक्टिस नहीं है और कुछ भी नहीं है कॉम्बिनेशन का भी कोई पता नहीं है शोएब मकसूद लास्ट मिनट पे इंजर हो रहे हैं शुहेब मलिक को लास्ट मिनट पे कॉल मिली है एवरीथिंग लाइक बट इट्स क्लिकिंग सो लेट्स सी वट हैपन्स बट फॉर नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच इज गोइंग टू बी टमोरोज मैच वेर न्यूजीलैंड विल टेक ऑन अफगानिस्तान